मैं आपका होस्ट मोहम्मद खालिद, आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हम इस वक्त मौजूद हैं जी तुरंगी रोड पे, जो कि दारा रोड का रोड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं गाड़ी के अंदर से वीडियो बना रहा हूँ। बादल से हैं कि किस तरह जो है कराची में छाए हुए हैं। खुदा ना खासा अगर ये बारिश हो गई तो ये कराची जो है अल्लाह ना करे डूब सकता है, जिस तरह से बादल छाए हुए हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं लोधरा से, और फैसल मौजूद है। फैसल, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? मुसलमानों पे सब पे बराबर करे, अपना हिफ्ज़ो अमान में रखे। जिस तरह के बादल है के बड़े मुश्किल का सामना हो सकता है। मेरे पास ये अंकल मौजूद है। अंकल, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? कि अल्लाह रहमत करे, इंशाल्लाह अल्लाह रहमत ही करेगा, कम होगी बारिश। लेकिन बादल बहुत गहरा है, नुकसान भी हो सकते हैं कराची में अगर ज्यादा बारिश हो। ये देखे जी, ये देखे इस वक्त हम बिलाल कॉलोनी के मोड़ में मौजूद हैं। अब इस बादल को देखें तो ये लगता है ये बरस पड़ा तो यहाँ कराची में अरबर पलटने का खतरा है। और मैं हुकूमत सिंध से अपील करना चाहूँगा, जो हर वक्त जो है खाबे खरगोश के मदद लेते रहती है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें कुछ मशीनरी भी नज़र नहीं आ रही जो कि रोडों पर मौजूद हो। हालांकि इतने मौसम में जबकि पाक मौसमियात की जानब से भी जो है अरबन फ्लडिंग का खतरा जारी किया गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन सिंध हुकूमत की जानब से यहाँ पर भी कोई ऐसी एमरजेंसी नाफे नज़र नहीं आ रही जो कि बारिश को फौरन कंट्रोल कर सके। तो मैं आला हुकाम से मिस्टर बिलावल भुट्टो से अपील करता हूँ, सीएम सिंध से अपील करता हूँ कि खुदारा जल्दी से जो है वो मशीनरी को तैयार रखें। कराची में कुछ भी हो सकता है, तब तक के लिए अपने होस्ट खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने